सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कर्मियों को व्यवसायी संघ बंसीधर के सदस्यों ने सम्मानित किया। कोरोना फाइटर के तहत अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार, अंचल पदाधिकारी अरुणिमा इक्का, अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुचित्रा कुमारी सहित अस्पताल के सभी सदस्य को अंग वस्त्र देकर व्यवसायी संघ बंसीधर नगर के लोगों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर व्यवसायी संघ के अध्यक्ष शंभू सौदागर ने कहा कि कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी लोगों को घरों में सुरक्षित करके सभी कर्मी स्वयं हॉस्पिटल, सड़क, घर घर पर खड़े होकर हम सभी लोगों का ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि संकट के समय सभी कर्मी मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखने की इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आपके साहस, निस्वार्थ सेवा और दृढ़ निश्चय ने भारत को इस विषम परिस्थिति में भी सही रास्ते पर अब तक खड़ा रखा है। उन्होंने कहा कि हम सभी सुरक्षित रह सके और सभी के मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके, इसके लिए प्रशासनिक कर्मी सभी लोगों पर ध्यान दे रही है। मौके पर हृदयानंद कमलापुरी, रंजन कुमार छोटू, अनूप कुमार निराला, कामेश्वर प्रसाद, संतु कुमार, उमेश कुमार, संतोष कुमार, आशीष कुमार सहित अन्य लोग शामिल थे। लोग हम लोग गांव-गांव घूमकर और वैसे आदमियों का, वैसे परिवारों का चयन कर रहे हैं जो अत्यंत गरीब, सरकारी लाभ ना मिल रहा, वैसे लोगों को चयन करके उनके घर में पूरा राशन साबुन दे रहे हैं ताकि उन लोग को लॉकडाउन में भूख के समस्या से निदान पाने के लिए हम लोग उनको खाद्य सामग्री दे रहे हैं। कार्य कितने दिन से अभी तक कर रहे हैं? लगभग 10 दिनों से अभी चल रहा है और जब तक लॉकडाउन रहेगा, व्यवसायी संघ का सोच है कि सभी लोगों को जब तक लॉकडाउन रहेगा हम लोग उन लोगों को खाद्य आपूर्ति करेंगे ताकि उन लोगों का भूखा सोना न पड़े। अभी तक कितने लोगों के बीच आप खाद्य? लगभग 400 से 500 लोगों को हम लोग खाद्य